इसका एनालिसिस हम कहीं पढ़ेंगे आगे कि ये हमें लॉग फाइल कब कब कितनी कितनी चाहिए या इसको कुछ बातें रिकवरी के प्रोसेस में हाँ रिकवरी के प्रोसेस में भी पढ़ेंगे कुछ बातें हमने इसमें कवर कर ली आना है कई जगहों पे आना ठीक है शायद जो आपके जहन में क्वेश्चन है उसमें देख लें उसे हम हाँ ये बात याद रखें जब आप बैकअप परफॉर्म करते हैं तो ये लॉग फाइल्स खत्म हो जाती हैं फ्रॉम गेट हो जाती है ठीक है ये नहीं कि कल जाके आप ऑफिस में परेशान हो जाएं आप ओपन करें वहाँ पे लॉग फाइल चार पांच आपके ऊपर डाल कर सर्वर लॉगिन में बैकअप जब लेंगे खत्म हो जाएंगे अगर आपको वहाँ लॉग फाइल कम नजर आ रही है तो फौरन क्या करें बताएं क्या करें स्टोर की प्रॉपर्टीज में जाके या टाइम स्टैम्प देखें लास्ट बैकअप की उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बैकअप फाइल इतनी कम है ठीक है जब तक बैकअप नहीं लिया होता उस वक्त तक पड़ी रहती है अच्छा किया आपने पूछ लिया सबकी नॉलेज में आ गई जब आप बैकअप ले लेते हैं तो ये लॉग फाइल जो कमिट हो चुकी है वो खत्म कर देता है क्योंकि जाहिर है उसके बाद अगर रिकवरी का इशू आता है तो आपके पास बैकअप है ओके जी मेंटेनेंस के पेज में ये सारी बातें हमने कर ली है बात है लिमिट्स के यस ये बात लास्ट टाइम भी आपको बताई थी और आज फिर देख लें बाय डिफॉल्ट तमाम मेल बॉक्सेस पे ये वाली लिमिट अप्लाई होगी अगर आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते ठीक है ये है क्या जाहिर मेल बॉक्स ग्रो करना है हमें भी ज्यादा आदत होती है ईमेल रीड करने की और कम आदत होती है ईमेल डिलीट करने की होता है ना इस तरह और फिर कोई मेल आप डिलीट करने लगे आप सोचते हैं नहीं यार शायद जरूरत पड़ जाए और अगर 0.001% चांस भी तो आप कहते हैं चलो पड़ी है मेरा क्या बिगाड़ ठीक है तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ रही बिगाड़ रही है एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है उसके पास जो डेटा बेस है उसका साइज ग्रो करता जा रहा है तो इसलिए पॉलिसी मस्ट भी देर कोई ना कोई पॉलिसी लिमिट आपने जरूर लगानी ये बात याद आप देख लें यानी ऑब्जर्वेशन करके देखेंगे आपके गिवन एनवायरनमेंट में कितनी स्पेस ठीक है रीजनेबल और ये क्योंकि स्टोर लेवल पे करना है इसलिए दो तीन रिक्वायरमेंट भी हो सकते हैं लाइक आपने क्या किया एग्जीक्यूटिव जो है वो तंग ना हो उनको आपने सेपरेट स्टोर पे रख दिया है उनकी आपने स्पेस कर दी है 5 GB ठीक है ताकि कुछ शिकायत लगे हो कहें हमें तो प्रॉब्लम उसके बाद आपके डेटा एंट्री वर्कर्स हैं उनके आपने 10 MB कर दी ठीक है जो आपके स्टाफ हैं उनके 50 MB कर दिए बेसिकली स्टोरेज जो है वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है आपने देखना कंपनी की रिक्वायरमेंट है और वो किस तरह से प्रॉपरली हैंडल हो सकता है ठीक है ये ना हो कि आप इतनी गलत स्पेस दे दें कि कंपनी की एक बंदे ने जना कोई ईमेल लिखी और साथ में सेंड करने लगा तो पता लगा वो सेंड तो ब्लॉक हो गई फिर उसको आउटबॉक्स में स्टोर करनी पड़ेगी और हो सकता है वो मेल बहुत इंपॉर्टेंट हो बॉस कॉल कर रहा हो या वो मेल जल्दी से रिप्लाई करो उसको ये सारी चीज़ें एड्रेस करके दे इसलिए अगर आपने रीजनेबल स्पेस रखी है तो आप एक्सक्यूज देने की पोजीशन में और अगर आपने नहीं रखी है तो फिर आप एक्सक्यूज देने की पोजीशन में लाइक अगर केस ये है कि आप बॉस को कहते हैं कि इसने इतनी सारी नूर जहाँ का 5 MB का गाना इसके मेल बॉक्स में पड़ा है उसने डिलीट नहीं किया इसकी मेल रुकी है तो ये जस्टिफाइड है ठीक है लेकिन अगर सारी यूजफुल या आपके कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिनपे लिमिट बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए मैंने लास्ट में भी बताया था इन्फो का अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है या सपोर्ट का अकाउंट support@hotmail.com कॉर्बेट का है info@corbett.com ये इतना इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है कि हम डेडिकेटेड बंदा चाहिए होता है जो सिर्फ क्या करें इन्फो का अकाउंट चेक करें और उसमें जो मेल्स आए उनको रिप्लाई करें तो इन्फो के अकाउंट पर कभी भी लिमिट नहीं लगाई जाती बड़ी कंपनीज में इन्फो के अकाउंट पर 24/7 ईमेल ड्रॉप हो गई ठीक है क्विक रिस्पॉन्स भी चाहिए क्विक रिस्पॉन्स भी चाहिए होता है लेकिन आप उस पर लिमिट नहीं लगा सकते समझ में आ रही बात बहरहाल इशू वार्निंग का मतलब है 3 स्पेस वार्निंग देने के लिए इसमें कन्वर्ट करके देखने आई थिंक 2 GB बन रही है तो देख लेना जितनी बनती है इंडिविजुअल मेल बॉक्स है ऑफ कोर्स ये साइज जो है डेटाबेस का नहीं है ये साइज है इसके अंदर स्टोर होने वाले हर मेल बॉक्स का अभी मैं अगर आपको मेल बॉक्स की प्रॉपर्टीज दिखाऊं ना आप इंडिविजुअल मेल बॉक्स का खुद भी स्पेस ले सकते हैं लाइक आपकी कंपनी में आपके बॉस ने कहा है सब पे 10 MB लगा दो 10 MB रीजनेबल है आपने 10 MB की लिमिट लगा दी सब ठीक है उसके बॉस ने कहा मुझे 100 MB दे तो अब आप ये नहीं करेंगे कि बॉस के लिए एक सेपरेट स्टोर बनाएं आप क्या करेंगे ये देखें आप क्या करेंगे आप जो भी बॉस है आपका रेसिपिएंट में जाएं मेल बॉक्स में जाएं और बॉस के अकाउंट की प्रॉपर्टीज में जाएं और मेल बॉक्स सेटिंग्स स्टोरेज कोटास अब बाय डिफॉल्ट यहां क्या आ रहा होगा यूज मेल बॉक्स डिफॉल्ट यूज मेल बॉक्स डेटाबेस डिफॉल्ट यानी इस वक्त इस पर कौन सी लिमिट लग रही है जो स्टोर पे दी गई है अगर आप इसे अनचेक कर देते हैं तो आप जो इंडिविजुअल देंगे वो स्टोर वाली प्रॉपर्टीज पे ओवरराइड कर देंगे तो एक अगर एक या दो मेल बॉक्स हैं तो उनके लिए यहां आके दे दें नया स्टोर बनाने की जरूरत नहीं है
स्टोर्स वो बनाए जब केसेस हैं डिफरेंट, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्हें 100 एमबी चाहिए जिसमें 15 यूजर्स हैं, एक और ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें 50 यूजर्स हैं उन्हें 10 एमबी चाहिए, एक और ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको 50 एमबी चाहिए उसमें बहुत सारे यूजर, अगर एक या दो हैं तो उनके लिए यहाँ से कंट्रोल करें डेटाबेस की प्रॉपर्टीज में देने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी प्लीज, अगर किसी यूजर को अनलिमिटेड देना होगा जैसे इन्फो के लिए फिर तो यही करना पड़ेगा। सर यहाँ से कैसे देते, यहाँ से नहीं देना पड़ेगा ना, फिर आपको स्टोर पे ले जाना पड़ेगा। सर ग्रुप्स में देना कैसे, ग्रुप्स में देना सर इसके ऊपर आप मल्टीपल स्टोर बनाओ ना सर, अगर आप इसको मल्टीपल स्टोर बनाए उस स्टोर पे अनलिमिटेड तो किसको अनचेक कर दिया और कोई इन्फॉर्मेशन ना देना, आई थिंक एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मैंने कभी ट्राई नहीं किया चलेंगे ठीक है मान लिया, अनचेक कर दें और लीव इट डिफॉल्ट। ठीक है ले जी आगे आ जाएं, स्टोर की प्रॉपर्टीज में आए दोबारा से, हाँ जी ये बातें होगी। उसके बाद ये है, ये प्रोहिबिट सेंड एंड रिसीव है, प्रोहिबिट सेंड है और इशू वार्निंग है, इतनी स्पेस पे वार्निंग आएगी, इस पर सेंड लॉक इस तरह मोबाइल पे नहीं होता, आउटगोइंग बंद हो जाती है, फिर भी आप दो तीन दिन बिल ना पे करें तो फिर इनकमिंग भी बंद हो जाता है। प्रोसेस नहीं है जो हर वक्त चेक करता रहे कि जैसे ही 10 एमबी स्पेस दी है 9.9 से 10 एमबी फॉरन वार्निंग दी, ठीक है ऐसे नहीं होता, वार्निंग एक टाइम होता है और हर कंपनी में मोबाइल पे आप देखते हैं क्या होता है, आखिर रात को 2 बजे जो है वो आपने अपनी लिमिट हिट की है 3 बजे ब्लॉकिंग हो जाएगी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नॉर्मली जो बिलिंग का टाइम होता है 9 बजे को चेक जो एक उसकी कंफर्मेशन दी होगा उस पर ही आपकी आउटगोइंग बंद होती है, तो यही इसमें भी होगा कि आप कस्टम टाइम दे दें जैसे इन्होंने दिया भाई दोपहर को 2 बजे, लंच ब्रेक से बंदा वापस आया पता लगे कि आपको दिन बाद खाना जम हो जाएगा टेंशन। यस ये दोनों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एक्सचेंज जो है ना वो इन तमाम चीज़ों के मुताबिक डिज़ाइन किया गया कि किसी किस्म की गलती ना रहे, ईमेल जो डाटा होता है ना ईमेल डाटा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। कल मैं ICSA के सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स देख रहा था, ये अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड ही बताया PCI DSS, इस स्टैंडर्ड के मुताबिक यानी अगर आप कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट या पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी अपने एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि वो ICSA सर्टिफाइड हो, फायरवॉल है तो ICSA सर्टिफाइड हो। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ वहाँ पर क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को लोग बुरा ज़्यादा कहते हैं कि वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर लिस्ट है जो ICSA सर्टिफाइड हैं, अगर आप ICSA 4 की प्रोडक्ट देखें उसमें आपको एक्सचेंज नजर आए जबकि बड़े बड़े फायरवॉल वहाँ पर नहीं थे, बड़े बड़े नाम वहाँ पर नहीं थे तो मैं नहीं लेना चाहता जी। कीप डिलीटेड आइटम्स फॉर 14 डेज, अभी अगर आप चेक करते हैं मैंने जो बात की है आप चेक एक साल बात करेंगे तो हो सकता है चेंज हो गया, इसलिए इसे चेक मैं करता हूँ आज रात को चेक क्योंकि ICSA एनुअली रिवाइज करता है बल्कि समटाइम एनुअली इससे भी पहले यानी क्वार्टरली और लेकिन आपने डिलीट कर दी लेकिन एक्सचेंज ने अपने पास प्रिजर्व कर दिया। इसी तरह की डिलीटेड मेल बॉक्सेस अगेन फॉर 30 डेज, मेल बॉक्स आपने डिलीट कर दिया यूजर कंपनी छोड़ गया, ठीक है एक्सचेंज ने डिलीट नहीं किया, एक्सचेंज ने उसे अपने पास स्टोर किया, समझ आ रही बात। और अगर आप ये चेक बॉक्स सेलेक्ट कर दें अगर तो ये अनचेक है तो 14 दिन बाद डिलीटेड मेल डिलीट हो जाएगी,
अभी थोड़ी देर पहले टॉम स्टॉर्म मैंने समझाया, और 30 दिन बाद डिलीटेड मेल बॉक्स डिलीट हो जाए। लेकिन अगर आप ये चेक कर दें